गोल्डमैन के नाम से मशहूर हुए पुणे के चिटफंड बिजनेसमैन दत्तात्रेय फुगे की गुरुवार देर रात हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गोल्डमैन की हत्या को चिटफंड स्कैम से जोड़कर देखा जा रहा है। डेढ़ करोड़ की गोल्डन शर्ट पहनने के बाद गोल्डन मैन के नाम से मशहूर हुए पुणे के दत्तात्रेय फुगे की कल रात चाकू और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वो एक बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे। हैरानी की बात यह है कि वो हमेशा 20 बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाले फुगे वारदात के वक्त अकेले थे। पुलिस के मुताबिक गोल्डन मैन की हत्या पत्थरों और धारदार हथियारों से लैस कई लोगों ने मिलकर की। वारदात कल रात करीब 11:30 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ मनी वक्रतुंड नाम से चिटफंड कंपनी चलाने वाले दत्तात्रेय फुगे को जन्मदिन के नाम पर बुलाया और फिर साजिश के तहत खुले मैदान में उनकी हत्या की गई। फुगे तब चर्चा में आए जब उन्होंने करीब 3.5 किलो की सोने की शर्ट पहनी। उस शर्ट की कीमत करीब 1,27,00,000 रुपए आंकी गई। सबसे महंगी शर्ट पहनने के बाद उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि जन्मदिन के लिए बुलाना साजिश का हिस्सा था। जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त दत्तात्रेय की पत्नी उनके साथ थी। शुरुआती जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश को माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि चिटफंड में हुआ घोटाला हत्या की वजह हो सकता है। दत्तात्रेय की पत्नी पुणे के पास पिंपरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में NCP कॉर्पोरेटर। पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया और वो केस जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। क्राइम डेस्क, इंडिया 24/7।